भूतों के किस्से हर गली और नुक्कड़ में सुनने मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज नहीं तो कल हर किसी से वो टकराएंगे। किसी का व्यक्तिगत अनुभव होगा और किसी के रिश्तेदार या दोस्त का, लेकिन हर कोई जुड़ रहा है इस कड़ी से। कुछ हैरान होंगे मेरी इस बात से, कुछ मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। आज का किस्सा एक ऐसे भयानक जगह का है जहां बहुत सारे लोग बसते हैं और लगभग हर घड़ी लोगों की चहल पहल रहती है, लेकिन ऐसे माहौल में भी भूत अपनी मौजूदगी को बताने से कतराया नहीं। इस खौफनाक स्थिति का सामना तो सैकड़ों ने किया, लेकिन शर्म के मारे कोई बताने सामने आया नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई गोरेगांव वेस्ट का किस्सा है। वहाँ पर एक नई जब बिल्डिंग बनी थी ना, ये बिल्डिंग इतनी लंबी थी ना कि इसके टॉप फ्लोर पर जब जाते थे तो हमारे पास ऐसे ईगल क्रॉस कर जाता था। बहुत अच्छा वहाँ पर लगता था, मस्त खुली हवा आती है, एकदम खुला नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। आजू बाजू भी बहुत दूर से देखा जा सकता है। इस बिल्डिंग के अंदर ना बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है, बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत ही प्यारा गार्डन बनाया गया है, यहाँ तक कि जिम भी है और एक मस्त फर्स्ट क्लास उसके अंदर ना स्विमिंग पूल है। मैंने आपको पहले बताया कि इस बिल्डिंग के अंदर ना बहुत अमीर लोग रहते हैं, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर भी रहता है। इस बिल्डिंग के अंदर ना दिल्ली से सनी और राहुल नाम के दो भाइयों ने एक घर खुद का खरीदा है। ये लोग ना फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस बिल्डिंग में ना इनको स्विमिंग पूल बहुत मस्त लगा, तो इन लोगों ने इस बिल्डिंग के अंदर घर खुद का खरीद लिया है। बहुत प्यारी बिल्डिंग है। अब एक दिन दोनों भाई सोचते हैं कि क्यों ना पुल के अंदर जाया जाए। अब ये लोग ना तैरने के लिए जाते हैं। ये लोग जस्ट पानी के अंदर अब उतरे ही है ना, तो इन्हीं की बिल्डिंग की एक लड़की जिसका नाम प्रीति है, उसकी उम्र 20 साल की है, वो भी पानी में तैरने के लिए आती है। ये लोग ना अपने साथ बॉल लेके आए होते हैं। सनी और राहुल सोचते हैं कि पानी के अंदर खेलेंगे, बॉल से ना कैच खेलेंगे। जैसी प्रीति आती है तो प्रीति इनको हेलो बोलती है, तो ये लोग भी प्रीति को हेलो बोलते हैं और पूछते हैं कि आप हमारे साथ खेलोगे, तो प्रीति बोलती है ठीक है। अब ये लोग पानी के अंदर एक साइड पर, मतलब यहाँ पर प्रीति खड़ी है और यहाँ पर राहुल खड़ा है, और इनके ऑपोजिट साइड में ना सनी पानी के अंदर ही खड़ा है पुल के अंदर। ये लोग ना बॉल से कैच खेल रहे होते हैं। अब प्रीति ना बॉल को सनी की ओर थ्रो करती है, वो बहुत जोर से फेंकती है, लेकिन उसकी जो बॉल है ना वो पुल के अंदर सेंटर में ही पानी के अंदर गिर जाती है, वो सनी के पास जाती नहीं है। अब वो जो बॉल है ना सेंटर में पड़ी है और खुद ही थोड़े टाइम के बाद वो बॉल प्रीति की ओर आती है, रिटर्न आती है। तो इन लोगों को समझ में नहीं आता कि यह ऐसे कैसे हो गया, वापस बॉल आ गई है। तो ये ना तीनों हंसने लग जाते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया, बॉल कैसे वापस आ सकती है, खुद ही ऑटोमेटिक बॉल आ गई। तो प्रीति हंसते बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पर कोई ना कोई भूत है। तो बोलते हैं हाँ चलो कैच खेलते हैं। अब ना प्रीति सनी की और बॉल थ्रो ही कर रही होती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको ना पैर पर पकड़ा, किसी ने जोर से ऐसे पकड़ा और धड़ देने छोड़ दिया। तो प्रीति बोलती है मुझे किसी ने टच किया, मुझे जरूर किसी ने टच किया। तो सनी ना अभी पानी के अंदर से तैरते हुए प्रीति के पास आता है और बोलता है कि पानी के अंदर तो कोई भी नहीं है, तेरा कोई बहम होगा। तो बोलती नहीं पक्का, मुझे किसी ने टच किया है, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली हूँ, मैं यहाँ से निकलती हूँ। अब वो पुल के अंदर से निकल जाती है। पुल के साइड पर ही ना वहाँ पर दो वॉशरूम बने हुए होते हैं, एक फ्रेश होने के लिए बना होता है और एक शावर लेने के लिए बना होता है। प्रीति की आदत होती है कि वो अपना जो कपड़ा है ना ऐसे थ्रो करती है। वहाँ पर ना एक लोखन का पाइप है, मोटा सा पाइप है, उसके ऊपर लोग अपने कपड़े टांगते हैं। तो प्रीति क्या करती है, अपना टावल ना ऐसे उस पाइप पर थ्रो करती है। वो जो टावल है ना, टावल के नीचे से कुछ नहीं दिख रहा है, बस टावल के अंदर ना एक आदमी का शेप बना हुआ है। वो जो शेप है ना वही धीरे धीरे अब टावल ना इसके और आ रहा है। तो प्रीति बहुत घबरा जाती है, ये ना जोर जोर से चीखना स्टार्ट करती है और बाथरूम से बाहर निकलती है, जोर जोर से चिल्लाती है बचाओ 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 मुझे बचाओ। अब पानी में से ना सनी और राहुल फटाफट बाहर निकलते हैं। अब प्रीति बाथरूम से बाहर आ गई है तो वो पूछते हैं कि क्या हो गया। तो प्रीति बताती है कि मैंने टावल फेंका, वो जो टावल है ना उस टावल में से आदमी की शक्ल बन गई और वो जो शक्ल थी ना उसके नीचे कुछ नहीं है, टावल के नीचे कुछ नहीं है और वो जो टावल है ना मेरी ओर आ रहा है। यहाँ पर पक्का भूत है, 100% यहाँ पर भूत है, मैं यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम लोग भी यहाँ पर मत रुको। अब ये बोलकर ना प्रीति तो फटाफट वहाँ से चली गई है। अब ना इनको बाथरूम के अंदर से धड़ धड़ की आवाज आ रही है, जैसे कुछ जोर जोर से दरवाजा ठोकर आया, हाथों से ऐसे ठोकता ना
धड़ 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 करके ऐसे इनको आवाज आ रही है। तो ये लोग ना फटाफट बाथरूम की ओर भागते हैं। ये लोग ना बार बार पूछते हैं कि बाथरूम के अंदर है कोई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। लेकिन कंटिन्यू ना ऐसे दरवाजा ठोकने की आवाजें आ रही है। तो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग ना कंधा मार के अपना दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि बाथरूम के अंदर कौन है। अब दोनों भाई ना जस्ट ऐसे मारने वाले होते अपना कंधा दरवाजे के पास ना, तो ऑटोमेटिक धड़ देने दरवाजा खुल जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है तो ये लोग फटाफट बाथरूम के अंदर देखते हैं, लेकिन बाथरूम के अंदर इनको कोई नजर नहीं आता, पूरा बाथरूम खाली होता है। तो दोनों भाई थोड़ा घबरा जाते हैं। ये दोनों सोचते हैं कि चलो यार यहाँ से चलते हैं, हम लोग बाद में कभी सोचेंगे कि आना है कि नहीं आना है। ये बोलकर ना ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्या होता है, अगला दिन आता है। बाई चांस ना इनको प्रीति दोनों भाइयों को लिफ्ट में मिलती है। तो सनी जानबूझकर प्रीति को चिढ़ा रहा है, ए डरपोक, ए डरपोक। तो प्रीति बोलती है, मेरे को डरपोक नहीं बोलने का। बोले तू है डरपोक, इसीलिए तो डर के भागी थी। बोले नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। ये बोलकर ना अब प्रीति तो लिफ्ट से उतर जाती है और अपने घर चली जाती है। ये लोग भी अपने घर चले जाते हैं। उसी शाम को ना बाई चांस इनको प्रीति नीचे मिलती है। तो फिर से सनी ना जानबूझकर प्रीति को चिढ़ा रहा है, ए डरपोक, ए डरपोक। तो प्रीति बोली, मैंने तुझे बोला था ना मुझे डरपोक नहीं बोलने का, तो मत बोल। तो बोलता है, अच्छा तू अगर डरपोक नहीं है तो चल पूल में, हाँ फिर से तैरते हैं। तो बोलते हैं ठीक है चल तैरते हैं, लेकिन मुझे कभी डरपोक नहीं बोलना। बोला ठीक है, अगर तू तैरने आए ना तो मैं तुझे कभी डरपोक नहीं बोलूंगा। बोले ठीक है। अब ये तीनों ना पानी के अंदर हैं। जस्ट पानी के अंदर उतरे ही है ना, बार बार प्रीति ना बाथरूम की ओर देख रही है। तो राहुल बोलता है, अरे तू बार बार बाथरूम की ओर क्यों देख रही है, तेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है तो तुझे सच में लगेगा कि वहां पर भूत है, तो उधर मत देख, तू पानी में तैर। तो प्रीति बोलती है ठीक है। अब वो तैर रही है, तैरते तैरते उसको ऐसा लगता है कि जैसे पानी में से ना उसको किसी ने पैर पकड़ लिया है। अब प्रीति फिर से टर्न मार के देखती है, टर्न मार के देखती है तो पीछे उसको कोई दिखाई नहीं देता है। तो प्रीति बोलती है, मेरा ना किसी ने पैर फिर से छुआ है, पक्का यहाँ पर कुछ है। तो सनी बोलते हैं, क्या है यहाँ पर, जब देखो मुझे टच किया, मुझे यहाँ पर कुछ है, हाँ मुझे टच किया। सनी ना ऐसे अब प्रीति को चिढ़ा रहा है। अब ना सनी अचानक से बोलता है, अरे मुझे किसी ने टच किया, मुझे पानी में से किसी ने पकड़ा। तो अब ना राहुल और प्रीति दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं। अब सनी ना पानी के अंदर झाड़ धड़ने नीचे जाता है। वो नीचे जाते थोड़े टाइम के बाद, 3-4 मिनट के बाद पानी के ऊपर आ रहा है और अपने हाथ ऐसे ऐसे मार रहा है, अजीब सी उसकी आंखें होगी पूरी लाल लाल हो गई है। फिर से वो पानी के अंदर चला गया, ऐसे थोड़ा ऊपर आता है, सांस ऐसे ऐसे जोर जोर से ले रहा है। तो राहुल को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। राहुल ना फटाफट भागकर सनी की ओर जाता है, प्रीति भी फटाफट भागकर सनी की ओर जाती है। ये ना दोनों मिलकर अब सनी को पानी से बाहर निकालते हैं। सनी के अंदर बहुत पानी भर गया है, उसको सांस ही नहीं मिल रही है। तो राहुल क्या करता है, उसको ना यहाँ पर थोड़ा पेट के पास से दबाता है और सनी के मुँह से पानी निकलता है। जैसे ही सनी के मुँह से पानी निकला ना, और 5-10 मिनट के बाद अब सनी नॉर्मल हुआ, तो सनी बताता है कि पानी के अंदर कुछ है, कोई ना कोई पक्का 100% वहाँ पर है। मैंने ना पानी के अंदर एक सफेद सा साया देखा है। अब सनी सिर्फ इतना ही बोलता है कि मैंने पानी के अंदर सफेद साया देखा है ना, तो धार देने ऐसे पानी के अंदर से आवाज आती है कि जैसे कोई दूर से ऊपर से कूदता ना पानी के अंदर, ऐसे धार देने पानी पे आवाज आती है और पूरा पानी बाहर आता है। और ये लोग देखते हैं कि पानी के अंदर ना एक सफेद सा साया चल रहा है। अब ये लोग देखते हैं कि पानी के अंदर ना एक सफेद सा साया तैर रहा है। ये लोग बहुत डर जाते हैं, ये लोग वहां से फटाफट निकलते हैं, पलटी मार के भी नहीं देखते हैं। इन लोगों को बहुत डर लगता है। ये लोग तीनों डिसाइड करते हैं कि आज के बाद हम लोग इस पुल में कभी नहीं आएंगे। उस दिन के बाद आज का दिन हो गया, ये लोग उस पुल में कभी पलट के देखे भी नहीं है, कभी गए ही नहीं है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब पहले दिन इन लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर कोई बुरी आत्मा है, तो इनको वापस वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे बेफजूल चैलेंज नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर जान है तो ही जहान है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।